ड्रैगन यहाँ जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी सुपर से डुपर था। इतने सारे यू नो स्पॉइलर्स हो जाएंगे बोलूंगी तो, थिएटर में आइए, थिएटर में ही मजा आएगा, घर पे देखेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। मतलब मजा आ रहा था, एंजॉय कर, हाँ पूरा एंजॉय कर रहे थे, ये टाइम को पता ही नहीं चला। एक लाइन में कैसे डिफाइन करें, जब स्त्री श्रद्धा कपूर हो तो क्यों ना भाई, अच्छी लगे, बहुत कमाल दिया। पंकज त्रिपाठी तो बड़े मंचे हुए एक्टर, उनके बारे में क्या ही कहूँ, रिलैक्स लिया, मस्त आँख मत सेगी, फिर उसके बाद जो है फिल्म को देखा और बहुत मजा आया। कॉमेडी तो हो आउट ऑफ 5 कितने स्टार है, स्त्री नहीं देखी आपने? नहीं, स्त्री 2 में मजा आया। आई डोंट बिलीव इन दिस भूत प्रेत, स्त्री 3 के लिए क्या लग रहा है यार? स्त्री 3 की अनाउंसमेंट तो बता रहे हैं कि हो गई, लेकिन कुछ भेड़िया। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। आज रिलीज हुई है राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी स्टारर स्त्री 2। स्त्री आपने देखी होगी, वो स्त्री कल आना कई लोगों में चर्चित रहती है, बहुत लोगों को पसंद आती है, कई अच्छे अच्छे तरीके से लोग इसको याद करते हैं और लोगों को बेसब्री से 6 साल से इंतजार था स्त्री 2 का। लंबा समय लगा डायरेक्टर्स को बनाने के लिए, मगर अब जब ये थिएटर्स में आई है तो लोगों को कैसी लग रही है? बड़े कुछ सीनियर एक्टर्स, मैं बात करूँ तो अक्षय कुमार, तमन्ना भाटिया, वरुण धवन जैसे एक्टर्स का कैमियो भी है और स्टार कास्ट भी बड़ी है। पंकज त्रिपाठी है, राजकुमार राव है, श्रद्धा कपूर है, अभिषेक है, बाकी अर्पित हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको देखने को आपको स्त्री 2 में मिलेगा। बहुत सुपर नेचुरल, राजकुमार राव का अच्छा रोल है, श्रद्धा कपूर भी, शी इज गोना हैव टेरिफिक परफॉर्मेंस, फिर वरुण धवन है सरप्राइज एलिमेंट। वो मत दीजिए, स्पॉइलर मत दीजिए, बस ये बताइए कैसी लगी? नहीं ठीक है, इट्स गुड मूवी, मैं पहली बार देख रहा हूँ, आई हैव नॉट सीन द वन पार्ट। स्त्री नहीं देखी आपने? नहीं। स्त्री 2 में मजा आया? एंड मजा तो क्या, बस मतलब वो सुपर नेचुरल है, आई डोंट बिलीव इन दिस भूत प्रेत एंड ऑल दैट, बट ठीक है, ये बनाई है किसी ने सोच समझ के बनाई है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? आई थिंक 3। कैसी लगी स्त्री 2? फिल्म बढ़िया थी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा हमें डिलीवर किया है मूवी ने, तो ओवरऑल बढ़िया थी। श्रद्धा कपूर की बात की जाए, बाकी मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं और नाम ले सकता था, लेकिन मूवी देखो आपको मजा आने वाला है, मैं इसे देना चाहूँगा 5 में से 5 स्टार। राजकुमार राव, अरे बेहतरीन राजकुमार राव, मस्त, मजा आया, इंजॉय किया फुला, बिल्कुल इंजॉय किया, आप भी इंजॉय करो, आओ देखो, लोग आना चाहिए थिएटर, बिल्कुल। आउट ऑफ 5 कैसी लगी स्त्री 2? स्त्री 2 बहुत अच्छी थी, मजा आ गया देख के, फुल ऑफ एंटरटेनिंग, सरप्राइजेस काफी है मूवी में, और पार्ट 1 से बहुत बेटर है। पार्ट 1 से बहुत बेटर भी अपने में ही थी, बट पार्ट 2 भी बहुत अच्छी है, लोगों को आना चाहिए थिएटर के साथ। बिल्कुल, तो नहीं आएगा, मिस करेगा मूवी, एंजॉय करेंगे, एंजॉय। राजकुमार राव का कैसा है? राजकुमार अल्टीमेट एक्टर है और इस मूवी से उनका मतलब लगता है कि ये एक वाला एक्टर जो होता है ना वो है, बहुत अच्छा, बहुत अल्टीमेट, मजा। 5 आउट ऑफ 5 बहुत बढ़िया। इंडिया की आप वो फिल्म क्या बेस्ट था? सॉरी, क्या बेस्ट था? बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी। हॉरर एंड कॉमेडी राजकुमार राव का था, बहुत बढ़िया, बहुत। आउट ऑफ 5 आपकी मूवी होगी? 4 इसीलिए मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बेस्ट क्या लगा? क्या बेस्ट क्या था? बेस्ट एंडिंग पार्ट, एंडिंग ऑसम था। राजकुमार राव का था, बहुत बढ़िया एक्टिंग, कॉमेडी तो हो, बहुत बढ़िया। आउट ऑफ 5 कितने स्टार दे? 5 थैंक यू। कैसी लगी मैम? इतने सारे यू नो स्पॉइलर्स हो जाएंगे बोलूंगी तो, थिएटर में आइए, थिएटर में ही मजा आएगा, घर पे देखेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक लाइन में कैसे कमेंट करेंगे अगर कहें तो स्त्री 2? यार जो फिल्में इस वीकेंड आ रही है ना, उन सबकी बाप है ये फिल्में, बस ये बोलूंगी, आप थिएटर में आइए, बाकी सारी फिल्में OTT पे देखिए, बाद में पैसा बचे तो जाइएगा सेविंग्स में से, वरना तो आप स्त्री 2 आके अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं, जिसके साथ मन करे उसके साथ आकर के आप जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। बॉक्स ऑफिस में हिट होगी? यार जिस फिल्म को जो सोशल मीडिया पर समय ट्रेंडिंग पर चल रही है, जिसका हमें दिख रहा है कि ऑनलाइन है ना, रात का शो है 9 से 12 का, तो पूरा हाउसफुल था, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्रेज है कि सब इसको देखने आ रहे हैं। आउट ऑफ 5? 5 out of 5 से ज़्यादा भी हैं तो वो भी दे दो। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया थी, मतलब मज़ा आ रहा था, एंजॉय, हाँ पूरा एंजॉय कर रहे थे, ये टाइम तो पता ही नहीं चला। एक लाइन में कैसे डिफाइन करें? ऑसम। राजकुमार राव बहुत बढ़िया एक्टिंग थी राजकुमार राव की, पंच से एकदम टाइम पे, ऐसा नहीं कि त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी तो बड़े मंचे हुए एक्टर, उनके बारे में क्या ही कहूँ मैं, बट वो भी बेस्ट थे। 5 out of 5 स्त्री 2 देखी, कैसी लगी?
भाई बहुत ही कमाल की फिल्म थी और आज 3 फिल्म देखी पूरे दिन में और वेट कर रहे थे कब स्त्री आएगी क्योंकि वी लव स्त्रीज और बहुत अमेजिंग था, बहुत कमाल था। और जब स्त्री श्रद्धा कपूर हो तो क्यों ना भाई अच्छी लगे, बहुत कमाल थी यार। राजकुमार राव का काम कैसे? राजकुमार राव है मुझे वैसे मतलब अभी उनका लुक बहुत चेंज सा हो गया, अलग अलग फिल्मों के लिए अलग अलग लुक लेते रहते हैं, लेकिन यार लुक तो छोड़ो लेकिन बंदा जो एक्टिंग करता है ना हंसी तो छूट जाती है, मतलब कोशिश करते हैं ना हंसे ऐसा क्या करेंगे जो हंसाएंगे, लेकिन भाई हंसा तो देते हैं यार। पंकज त्रिपाठी, तमन्ना भाटिया, वो तो यार लेजेंडरी एक्टर हैं और तमन्ना भाटिया का बहुत छोटा सा कैमियो था, लेडी लव दिखाई है पंकज त्रिपाठी की और गाना है उनका एक आइटम सॉन्ग है और बहुत बढ़िया था यार, रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ में लगती हैं। जैसे सोचा था वैसी थी स्त्री 2 या उससे अबव एक्सपेक्टेशंस? वैसी ही थी जैसा सोचा था, मतलब ये सोचा था कि तीनों फिल्मों में से जो सबसे बढ़िया फिल्म होगी वो स्त्री होगी, वहाँ तक रुकना है क्योंकि 1.5 घंटे का गैप था, रिलैक्स लिया, मस्त आँख वाँख सेकी, फिर उसके बाद जो है फिल्म को देखा और बहुत मजा आया। राजकुमार राव के लिए बड़ी हिट साबित होगी फिल्म? नहीं नहीं, राजकुमार राव जो है कमर्शियल हिट एक्टर नहीं है, वो सिर्फ सिनेमा के लिए बने हैं, अच्छी एक्टिंग करवानी है करवा लो, लेकिन एक साबित होंगे ये आप उम्मीद उनसे छोड़ देना। देख वो लोग जो वो एक्टर हैं कमर्शियली हिट नहीं होते, ये लोग नॉर्मल मतलब लाइक फिल्म को चला दें अच्छी एक्टिंग कर ले बस ये है, लेकिन फिल्म की जो जान है वो श्रद्धा कपूर है। स्त्री 3 के लिए क्या लग रहा है यार? स्त्री 3 की अनाउंसमेंट तो बता रहे हैं कि हो गई, लेकिन कुछ भेड़िया का किरदार आया था अंदर, मैं ध्यान से देख नहीं पाया तो मैं थोड़ा कह नहीं सकता उसका। आउट ऑफ 5 कितनी? ऑफकोर्स 4.5। सरकटे का आतंक कितना आतंक मचा रहा है ये हमने लोगों से बातचीत करके आप तक पहुंचा दिया है, अब बाकी आप थिएटर्स आइए एंजॉय कीजिए अक्षय कुमार को, तमन्ना भाटिया, वरुण धवन इनके कैमियो को, बाकी राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर इनकी एक्टिंग को, भरपूर कॉमेडी है, भरपूर हॉरर है, आप फैमिली के साथ आइए एंजॉय कीजिए। 3 फिल्में आई हैं, 3 में से पहले आप थिएटर में जाके पैसा जो खर्च करना चाहते हैं वो स्त्री 2 पे कीजिए, आपको फुल आनंद आने वाला है। बाकी ऐसी तमाम खबरें और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और आगे तक के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।